लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ जस्ट एंड टाइम सिस्टम सबसे पहले तो जो कि बिगेस्ट ईवल इन प्रोडक्शन सिस्टम कहा जाता है वो रड्यूस होती है दैट इज़ इन्वेंट्री रिड्यूस होती है जस्ट एंड टाइम सिस्टम के अंदर uh, उसकी डिफरेंट वजूहत हैं जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इन्वेंट्री के मॉड्यूल के अंदर तो वो अच्छी खासी रड्यूस uh, हो जाती है रिडक्शन इन इन्वेंट्री एंड रिडक्शन इन लॉट साइज तो उसकी वजह से क्वालिटी इम्प्रूव करती है क्योंकि आपको डिफेक्ट बड़ी जल्दी पता चल जाते हैं हंड्रेड uh, यूनिट्स की प्रोडक्शन एक जगह हो रही है लॉट साइज़ हंड्रेड का है दूसरी जगह टेन का है तो टेन वाले लॉट साइज़ के अंदर क्वालिटी uh, के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो जल्दी पता चलेगा कंपेयर टू हंड्रेड के uh, लॉट साइज़ के अंदर जस्ट इन टाइम सिस्टम की वजह से uh, जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होती है इन्वेंट्री की रिड्यूस uh, की रिडक्शन की वजह से क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट की वजह से स्पेस की रिडक्शन की वजह से तो उसकी सारी हाथ की से ये जो कॉस्ट uh, है ये टोटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है uh, क्योंकि हम इन्वेंट्री नहीं रख रहे होते मेंटेन कर रहे होते तो उसके लिए हमें फिर स्पेस नहीं चाहिए तो उस वजह से भी हमारी स्पेस की रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस होगी अनदर थिंग इज़ के जस्ट इन टाइम के अंदर सेल यूज़ किए जाते हैं मैनुफैक्चरिंग सेल्स और एक एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स को रखा जाता है जो कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उस वजह से भी स्पेस के uh, रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है लॉट साइज़ कम होंगे प्रोडक्शन का तो उसके अंदर जो लीड टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी हंड्रेड यूनिट्स के लॉट साइज है और दूसरी जगह दस यूनिट का है दस यूनिट लेट्स से एक यूनिट वन मिनट लेता है ऑपरेशन उसके ऊपर तो वो 10 मिनट के बाद वो मूव कर जाएगा दूसरे वर्क सेंटर में और इवन इन मार्केट लेट से हंड्रेड यूनिट्स वाला जो है लॉर्ड साइज वो हंड्रेड मिनट्स के बाद मूव करेगा तो उसकी वजह से लीड टाइम अच्छी खासी रिड्यूस हो जाती है आ, इन वजूहत की बेसिस पर जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी क्वालिटी आपकी अच्छी हो गई है लीड टाइम रिड्यूस हो गया है आ, इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे लीड टाइम रिड्यूस हो गया थ्रू पुट आपका तेज़ हो गया तो उसकी वजह से ये प्रोडक्टिविटी में आ, अच्छा खासी इम्प्रूवमेंट हो जाती है स्मॉल लॉट साइज है तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है डिमांड मार्केट में चेंज हुई या फ़ौर अपने प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे तो उसकी वजह से आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी खासी सिस्टम में आ जाती है आर, लॉट साइज अगेन कम स्मॉल साइज में है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेम एग्जांपल टेन यूनिट्स का लॉर्ड साइज है कंपेयर टू हंड्रेड यूनिट्स का लॉर्ड साइज तो टेन यूनिट्स के लॉर्ड साइज में अगर वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुआ है तो दस यूनिट्स में डिफेक्ट होगा और उस पर रीवर्क हो रहा होगा या वो स्क्रैप हो रहा होगा जबकि दूसरी तरफ सौ यूनिट का लॉट uh, है तो वो सौ यूनिट के अंदर डिफेक्ट आए हैं तो वो सौ के सौ स्क्रैप हो रहे होंगे या रीवर्क हो रहे होंगे तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से अगर शिफ्ट कर जाए इन टाइम में तो उधर हमारे आ, स्क्रैप और रीवर्क भी रिड्यूस हो जाता है और सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप बेहतर होती है क्योंकि जैसे बताया कि सप्लायर को एज ए पार्टनर कंसिडर किया जाता है जस्ट इन टाइम के अंदर और फ्यू सप्लायर्स होते हैं तो इसलिए उनके साथ कोऑर्डिनेशन कोलेब्रेशन ज़्यादा बेहतर हो जाती है सिंप्लीफिकेशन uh, को uh, के अंदर बिलीव करते जस्ट इन टाइम तो शेड्यूलिंग और जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं जिसको प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल कहते हैं वो बहुत बेहतर हो जाती है क्योंकि सिंपल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर शेड्यूलिंग uh, इसके अंदर कैपेसिटी uh, इंक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के बेसिस के ऊपर आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है जस्ट इन टाइम के अंदर ह्यूमन uh, रिसोर्स जो हैं उनको जस्ट इन टाइम सिस्टम के अंदर एम्पावर किया जाता है और उसकी वजह से बेहतर ह्यूमन रिसोर्स हो जाता है Uh, इनको एम्पावर कर दिया जाता है ये अगर चाहें दे फील के जो ऑपरेटर है वर्क सेंटर का उसको लगे कि आ, कोई प्रॉब्लम आ, आ गई है उसके अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे किसी वजह से तो वो पूरी लाइन शट डाउन कर सकते हैं बाय जस्ट नॉट प्लेसिंग ऑर्डर जो कि अपस्ट्रीम में वर्क सेंटर है उसको ऑर्डर प्लेस ना करने के बेसिस के ऊपर पूरी लाइन शट डाउन हो जाएगी तो वर्कर इज एम्पावर्ड टू टेक सच डिसीजन तो उसकी वजह से वर्कर भी जो है वो अब बेटर फील करता है और मोटिवेटेड होता है और बेटर परफॉर्म करता है अगेन स्मॉल लॉट साइज तो आप वैरायटी भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि सेटअप कॉस्ट जो है वो इतनी इशू uh, नहीं बनती तो एक दिन के अंदर आप uh, बेतहाशा इंक्रीज uh, कर सकते हैं वैरायटी कंपेयर टू ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग